नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव में उम्मीद के मुताबिक जीत हासिल कर ली है। उन्होंने रिकॉर्ड 54,121 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ ये अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। उन्होंने करीबन 3600 वोट उन्हें मिले हैं और इस जीत के साथ ही जहाँ पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कुर्सी बचा ली है, तो खटीमा में मिली खटास भी दूर हो गई है। तो चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शानदार जीत मिली है। 54,121 वोट मिले हैं पुष्कर सिंह धामी को। वहीं कांग्रेस की जो प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी, वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई है। देखिए, इस जीत के बाद कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के कई इलाकों में जश्न का माहौल तो है, लेकिन जो खटास खटीमा की थी, खटीमा में जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं अभी कहा जा सकता है ये खटास जरूर मिटी होगी आलाकमान की। हालांकि देखिए, बहुत ज्यादा कोई खटास नहीं थी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी पर बतौर मुख्यमंत्री दोबारा भरोसा जताया था आलाकमान ने। ऐसे में चंपावत उपचुनाव को जीतकर कहीं ना कहीं ये दिखा दिया है पुष्कर सिंह धामी ने कि भरोसा गलत नहीं था। 54,121 वोट हासिल किए हैं और कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी अपना जो सिक्का था वो नहीं चला पाई, अपना जादू नहीं चला पाई और तकरीबन 3,000 वोट उन्हें मिले हैं, जमानत भी नहीं बचा पाई है। सीएम की कुर्सी जरूर यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने बचा ली है। जीत का माहौल, जश्न का माहौल उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगह जीत का जश्न मनाया है। ढोल नगाड़े, रंग अबीर गुलाल, सब कुछ इस जीत के जश्न में शामिल है। इस जीत के जश्न को ये रंग और गहरा कर रहे हैं। चंपावत उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। सबसे कुछ देर पहले ही जो मतगणना थी वो पूरी हुई, जिसमें ये साफ हो गया कि पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। 54,121 वोट मिले हैं। हालांकि विपक्षी उम्मीदवार को आप देख सकते हैं कि लगभग 3,000 वोट मिले हैं निर्मला गहतोड़ी को, कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार की। वही अगर हम बात करें सपा कैंडिडेट की, तो उनका जो खाता है वो 1,000 तक भी नहीं पहुंच पाया वोटों की संख्या उनकी। फिलहाल आप देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी ने बेहतरीन जीत दर्ज की है। ये जीत भरोसे की है, ये जीत खुशी की है। ये जीत विश्वास की है। पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव में विजयी हुए हैं। चंपावत उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने जीत हासिल की है। हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, शानदार जीत हासिल की है यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बिल्कुल चारुल, और इसके पहले जो उपचुनाव जितने भी हुए हैं, इसमें बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के
खास अब तक ये रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड था, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 52,121 मतों से जीत 54,121 मतों से जीत हासिल करके उनका रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है। और हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं चारों की भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास इस चुनाव में यही रहेगा, क्योंकि 61,000 से अधिक मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था और यहाँ पर 54,000 से अधिक मत अकेले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पड़े हैं। तो साफ तौर पर जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने को एक जीत का एक सौगात दी है। और इस बात को भी चरितार्थ किया है इस जीत ने कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कहा था कि 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का जिम्मा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने 2022 के विधानसभा चुनाव में था और अपनी वो खुद की जो विधानसभा सीट थी खटीमा वहां पर कम ध्यान दे पाए, हाईकमान भी इस बात को मान रहा था और बतौर स्टार प्रचारक 2022 के चुनाव में पुष्कर सिंह धामी सबसे बड़े चेहरे थे प्रदेश के और प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के चलते उनके ऊपर दोबारा विश्वास जताया था। अब चूंकि रिकॉर्ड मार्जिन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जीत हासिल हुई है तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी के उस कथन को कहीं ना कहीं बल मिला है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने चुनाव प्रचार करने के लिए क्षेत्र में जाने का समय कम मिला। और ये जीत का जो तोहफा है भारतीय जनता पार्टी ने पीएम को एक सौगात के रूप में दिया है और ये चरितार्थ किया है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया था वो बिल्कुल सही था। और इसी के तहत 40 स्टार प्रचारकों ने दिन रात एक करके पार्टी के लिए काम किया और चूंकि हम लगातार कह रहे थे कि जिस तेज रफ्तार के साथ मतों की गणना हो रही थी 1200 पोस्टल बैलेट की गणना सुबह 10 बजे तक हो गई थी, उसके बाद ईवीएम में जो वोट पड़े थे उसकी ताबड़तोड़ जो है मतगणना हो रही थी और हुआ भी हमारे कहने के अनुरूप ही और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ जीत हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी में उत्साह की लहर है, भारतीय जनता पार्टी के जो चंपावत उपचुनाव के जो संयोजक की भूमिका निभा रहे थे कैलाश गहतोड़ी उनकी सीट छोड़ना भी मुख्यमंत्री के लिए एक तरह से सार्थक साबित हुआ और भारतीय जनता पार्टी हाल ही में उनको भी कोई महत्वपूर्ण पद दे सकती है संगठन में। तो तमाम लोग उत्साहित हैं, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सेवा प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार, उसके साथ ही जो कोर टीम चंपावत के चुनाव में काम कर रही थी उसको भी एक जीत का सेहरा उसके ऊपर भी जाएगा, उसको भी क्रेडिट मिलेगा और एक तरह से प्रदेश से लेकर दिल्ली तक खुशी की लहर है और डबल इंजन की सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ट्रिपल इंजन की सरकार को अब काम करने का मौका मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब प्रणाली में जुट जाएगी। बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए, जीत का जश्न हरिद्वार में किस तरह से मनाया जा रहा है सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी संजय पुंडीर का। संजय, देख रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने जो जीत दर्ज की है उसके बाद अलग अलग जगह पर खुशियां मनाई जा रही हैं, हरिद्वार में किस तरह का माहौल है, किस तरह से वहां पर खुशियां मनाई जा रही है मुख्यमंत्री की जीत की? देखिए चारुल, आज उत्तराखंड के लिए काफी ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक रिकॉर्ड मतों से भारी जीत हासिल हुई है। हालांकि जिस तरह से बीते दिनों से लगातार ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार ही जनता के बीच जाकर जनता को योजनाएं बता रहे थे, हालांकि इस वक्त की तस्वीर हम हरिद्वार में दिखाएंगे कि सभी जो कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय है आप देख सकते हैं किस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत के जश्न में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और फूल मालाओं से यहां पर स्वागत किया जा रहा है। तो साफ कहा जा सकता है कि आज उत्तराखंड के लिए काफी ऐतिहासिक दिन है और आप देख सकते हैं किस तरह से फूल मालाओं से, हालांकि हम इस कार्यालय पर मौजूद हैं, यहां पर बीते कई दिनों से यज्ञ भी चलाया जा रहा था और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक सुरेश राठौर, जिनसे बात भी करेंगे। आज एक ऐतिहासिक दिन है, निश्चित रूप से आज एक खुशी का पर्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव हारने के बाद भी, विधायक ना होने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया और फिर चंपावत से चुनाव में मैदान में उतार कर ये संकेत ही दे दिया कि पुष्कर सिंह धामी इस उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से निरंतर आगे बढ़े। आज 54,121 मतों से जीत कर उन्होंने जो एक नया इतिहास रचा है, ये इस बात का संकेत है कि हम उत्तराखंड को एक नई विकास की धुरी बनाना था। विकास की किरणें जो आज उत्तराखंड के अंदर माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा, माननीय पुष्कर धामी की सरकार के द्वारा ऑल वेदर रोड, बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री, कुमाऊ, तमाम चिकित्सालय, हॉस्पिटल, एम्स, ये सब जो देन है माननीय
हमारे पुष्कर सिंह धामी की, जनता उसको जान गई कि उत्तराखंड के अंदर अगर कोई विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़कर काम कर सकता है तो उस शख्सियत का नाम है श्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री के रूप में आज उनको जो विजय मिली है, उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की जनता के लिए एक विशाल पर्व के रूप में, महान पर्व के रूप में हम कोटि कोटि केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं। हम तो भी गए, हमने महायज्ञ भी किया उनकी जीत की खुशी में, और आज पूरा उत्तराखंड नहीं पूरे देश के अंदर इस बात का चर्चा का विषय बन गया है कि 54,121 मतों से जीत कर उन्होंने कांग्रेस की जमानत को जब्त कराया। भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के अंदर विकास की दृष्टि से संपूर्ण चंपावत को छोड़कर चंपावत के साथ साथ पूरे उत्तराखंड का विकास करेंगे, और सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर, वो चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, वो सबको लेकर एक साथ चढ़ेंगे और बढ़ेंगे। और निरंतर रूप से जो माननीय पुष्कर सिंह धामी चल रहे हैं माननीय मोदी जी की रीति नीति पर, हम उत्तराखंड को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम सुबह से ही देख रहे हैं जो कार्यकर्ता है काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस घड़ी का काफी जो कार्यकर्ता है उन्हें काफी देर से इंतजार था, लोग इंतजार कर रहे थे कि ये पल आए और हम खुशी मनाएं। देखिए, जीत तो सुनिश्चित थी, जीत का रिकॉर्ड कितने अहमियत से होगा। हम पुराने अपने उस रिकॉर्ड को तोड़कर सफल हुए हैं। 37,000 की जीत पहले रही है, पिछली बार भी चाहे वो विजय बघोड़ा रहे हो, चाहे माननीय खंडूरी जी रहे हो, और चाहे हरीश रावत जी लड़े हो, उन सबके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पुष्कर सिंह धामी जी ने 54,121 मतों से जीत कर एक नया रिकॉर्ड कायम करके युवाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर, आम जनता के अंदर, वृद्धों के अंदर जो भावना पुष्कर सिंह धामी को लेकर थी, जो एक मिथक लगाया जा रहा था कि कांग्रेस इतना वोट ले जाएगी, निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने उस मिशन को तोड़ते हुए आगे बढ़ने का काम किया है और उत्तराखंड को विकास राज्य की ओर लाने का काम किया है। पुष्कर सिंह धामी जी के साथ हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम कहना चाहते हैं यहाँ का जनमानस माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ है, हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके चलते हुए उत्तराखंड के विकास में अपना पूरा योगदान देते हुए इस उत्तराखंड को चरम पर लेकर जाएंगे, एक विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। अब युवा अवस्था में उत्तराखंड आया है तो हम उनसे यही अपेक्षा करेंगे कि वो एक एक जनमानस की समस्या को निरंतर देखते आए हैं और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए उनको ये जो विजय मिली है। बिल्कुल, देखिए यकीनन कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। रोहित, आपका भी बहुत शुक्रिया। उधर प्रदेश में प्रोसेस्ड प्रोडक्ट के इंपोर्ट को बढ़ावा देने और साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य के साथ 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इसका उद्घाटन किया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार के एपीडा के वित्तीय सहयोग से हो रहा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इसके लिए पीएम मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का धन्यवाद दिया। देखिए, मैंने अगर फौजी आदमी की सीधी बात करता हूँ, बड़ी सेमिनारों जाने का मौका मिलता है। अक्सर यही होता है कि हम गोष्ठियाँ करते हैं, सेमिनार करते हैं, और वो सिर्फ बहुत तक सीमित रहती है। मैंने आज एबिडा के द्वारा ये 3 दिवसीय वर्कशॉप जहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, मैंने अधिकारियों को निश्चित किया है कि जो हमारे DHO CHO जो उसका अटेंडमेंट करते हैं, कि आप जो चीज़ें यहाँ पर सीखें वो हमारा उन किसानों तक पहुँचें जो यहाँ पर उत्पाद करते हैं। और आज सही मार्केटिंग न होने के कारण उनके उत्पाद का सही दाम। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दूसरे खेलो मास्टर्स नेशनल गेम कंपटीशन में राष्ट्रीय पदक विजेता टीम के सदस्यों को सम्मानित किया। उत्तराखंड की फुटबॉल टीम ने देश के नाम को रोशन किया है। नेशनल गेम्स में 40 से ज्यादा टीमों ने सिल्वर मेडल और 50 प्लस फुटबॉल टीमों ने गोल्ड मेडल जीता है। उत्तराखंड के 22 साल के इतिहास में पहली बार राज्य के फुटबॉल खिलाड़ियों ने अपना जलवा दिखाया है। खेलो इंडिया खेलो मास्टर्स के तहत त्यागराज स्टेडियम में आयोजित द्वितीय खेलो मास्टर्स नेशनल गेम प्रतियोगिता में राष्ट्रीय पदक विजेता टीम के सदस्यों को सम्मानित किया गया। आज सेकंड खेलो मास्टर्स इन दिल्ली में
प्रसन्न भारत के रिपोर्टर है, अपने खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इन अपने भाग्यों को जहाँ मैंने यहाँ से रवाना किया, जहाँ मुझसे संभव हो पाया, मैंने मदद करने की भी कोशिश की। अब मैंने इनसे कहा था जब मैं तो फ्लैग ऑफ कर रहा था, आप जीत कर आएंगे। मुझे खुशी है कि इन लोगों ने मेहनत की, 23 राज्यों के प्रतिभागी वहाँ पर थे और वहाँ से एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल लेकर ये खिलाड़ी साथी यहाँ पर लौटे। एक केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में सेवा सुशासन पखवाड़ा मना रही है और इसी क्रम में उत्तराखंड में भी ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तैयारियों के संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश कार्यालय पर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रदेश भर में इन 15 दिनों में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में चर्चा हुई। इस दौरान राज्य भर में होने वाली रैलियों और बूथ स्तर के कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। आज हम लोग 3 प्रमुख विषयों को लेकर बैठे हैं। पहला हमारा जो पखवाड़ा है, उस पखवाड़े को लेकर हमें जो 14 बड़ी रैली करनी है जिलों के अंदर, उन रैलियों की जिम्मेदारी फिक्स की है। इसके साथ साथ हमें जो कार्यक्रम 252 मंडलों में करने हैं, उन कार्यक्रमों को पूरी तैयारी के लिए अलग से हमने सारी व्यवस्था बनाई है। इससे अलग हमने जो प्रदेश कार्य समिति है 7 और 8 तारीख पे, उसकी सारी समीक्षा, उस सारी को जो तैयारी कैसे की जाएगी, इसके लिए सारी व्यवस्था हम लोगों ने अभी तैयार की है। और इसके साथ साथ विधानसभा बजट सत्र की जगह में बदलाव पर सरकार बचाव की मुद्रा में आ गई है। सत्र पहले गैरसैंण में होना था लेकिन अब देहरादून में होगा। बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस फैसले पर सफाई देते हुए कहा कि 2 साल बाद यात्रा शुरू हुई है, लिहाजा लोग भारी संख्या में आ रहे हैं, जिसको देखते हुए मांग उठी थी कि सत्र को देहरादून में ही कराया जाए जिससे यात्रा पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसीलिए सरकार ने सत्र देहरादून में कराने का निर्णय लिया। सब लोगों के डिमांड थी कि इस समय यात्रा कोविड के बाद बहुत बड़ी मात्रा में आई है और जगह जगह यात्रा की व्यवस्था में हमारी पूरी मशीनरी लगी हुई है। सत्र महा आहूत करना ये हमारा संकल्प ही नहीं है, हमने जनता के सामने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार नहीं है इस विषय पर, तो आपने निश्चित मानिए हमारा संकल्प है, लेकिन हमें राज्य के हित में भी तो निर्णय लेने हैं। आज राज्य के हित में जरूरी है कि हम लोग पूरी मशीनरी को अपनी यात्रा में लगा कर रखें। आज यात्रा जिस प्रकार से पूरी दुनिया के लोग, देश के लोग आज उत्तराखंड राज्य में लाखों की संख्या में आ रहे हैं। उधर हरिद्वार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान का भूमि पूजन के साथ ही शिलान्यास किया गया। शिलान्यास कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इस जगह का विशेष महत्व होगा और यहाँ के लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इसका संदेश दिया जाएगा। अवस्था इस चीज की थी, हालात कैसे थे, और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमारे यहाँ दीनदयाल उपाध्याय उद्यान के निर्माण का और सौंदर्यकरण का काम का आज शिलान्यास हुआ है। निश्चित रूप से यहाँ जिस प्रकार से बाहर से आने वाले लोग, यहाँ के स्थानीय लोग के सामने एक जो स्थिति महसूस होती थी, उससे बेहतर स्थिति में हम लोग ये काम कर रहे हैं और 3 महीने के अंदर ये 97 लाख का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा होगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे ये हमारे यहाँ जो बाहर से लोग आएंगे, हमारे स्थानीय लोग आएंगे, उनके लिए बैठने के लिए, उनके लिए एक पार्क के रूप में, उनके लिए एक जो यहाँ की सुंदरता है उसके रूप में एक मील का पत्थर साबित होगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये काम टाइम से भी होगा। केदारनाथ यात्रा ने 4.5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। महज 27 दिनों की यात्रा में 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। अब प्रशासन 1 महीने में 5 लाख का आंकड़ा पूरा होने की उम्मीद जता रहा है। शुरुआत से लेकर अब तक 15 से 18 हजार तीर्थ यात्री हर दिन बाबा केदार के दरबार में पहुंच रहे हैं।
व्यवस्थाओं में काफी सुधार आया है। साथ ही यात्रा में आने वाले यात्रियों में उत्साह देखने को मिल रहा है और वो यहाँ से अच्छा अनुभव लेकर जा रहे हैं। प्रतिबद्ध है और पूरी तरफ से हमारी सरकार भी और प्रशासन भी एकजुट होके, हम सभी लोग एकजुट होके इस अपनी यात्रा को संचालित करने में सक्षम है। और मैं अपने प्रशासन से बहुत खुश हूँ कि सारी व्यवस्थाएं प्रशासन बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है। जब से अभी हमारे नए नए DM हैं, लेकिन उन्होंने सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे ढंग से संभाली हैं, चाहे हमारा पुलिस प्रशासन हो, चाहे हमारा जितने भी कर्मचारीगण जिनकी भी ड्यूटियाँ वहाँ पर लगाई गई हैं, सभी लोग भली भांति अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। जहाँ लोगों ने ओवर रेट की बात की है वो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे हमारे टेंटों से काफ़ी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए और अभी मीना होते होते जैसा हमको लग रहा है 5 लाख का जो संख्या पूर्ण हो चुकी होगी। इसकी पिछले 25-26 दिन में जो कमियां परिलक्षित हुई थी उनको व्यवस्थित किया गया है। यात्री सुविधा पर फोकस करते हुए हमने इंश्योर किया है कि किसी भी यात्री को स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय, घोड़ा कच्चर आदि की जो व्यवस्था है उसको कोई परेशानी ना हो, और इस क्रम में काफ़ी हमने प्रयास किए और काफ़ी संसाधनों को बढ़ाया है। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा। अब तक स्कूल में 9वीं से ही बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्र छात्राओं का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन सुविधा से परीक्षार्थियों की सही जानकारी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पास मौजूद रहेगी। बता दें कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के गठन के बाद से बोर्ड परीक्षार्थियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑफलाइन थी, जिससे 1 से 2 महीने का समय लग जाता था। इस बार उत्तराखंड बोर्ड ने सबसे पहले ये एक टेस्टिंग कराई थी कि हमारी स्कूलों में जो बच्चों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या आवेदन है वो क्या किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। तो उसके लिए जो हमारी टेस्टिंग हुई थी वो सक्सेसफुल रही है और हमारे टीचर्स कर पा रहे हैं और सुविधाएं भी जो इंटरनेट और कनेक्टिविटी की बात है वो हमारे पास उपलब्ध है। तो इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है, जो आवेदन जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट आती थी उसमें कहीं बच्चे के नाम में मिस्टेक होती थी, कहीं उसका पिताजी के नाम में या माता के नाम में मिस्टेक होता था, डेट ऑफ बर्थ गलत होती थी। मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ देहरादून शहर में चलाए गए अभियान में अभी तक 460 से ज्यादा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही 57 वाहन सीज किए गए हैं, जिससे करीब 1.5 लाख रुपए समन शुल्क वसूला गया। मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को कड़ा संदेश देते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सैकड़ों गाड़ियों के साइलेंसर्स पर रोड रोलर चला दिया। लोगों से अपील भी की है कि वो कंपनी के साइलेंसर का ही इस्तेमाल करें। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमें बार बार कंप्लेंट भी आ रही थी, हमारे द्वारा भी देखा जा रहा था कि शहर में फटपटिया साइलेंसर जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए। इसको फिर एक अभियान के तौर पर लेते हुए हमने एक सप्ताह में 461 गाड़ियों के चालान किए गए, उसमें 57 गाड़ियाँ सीज भी की गई और जो भी गाड़ी पे कार्रवाई हो रही है उनको काउंसलिंग भी की गई और निवेदन भी किया गया कि आप अपना साइलेंसर चेंज भी कर दें और पुराना साइलेंसर हमारे ऑफिस में एक एश्योरेंस के तौर पर जमा कर दें। उसी के तहत 185 साइलेंसर पे बुलडोज़र चला के एक मैसेज देने की कोशिश हमने की है कि ये चीज़ अब शहर में बिल्कुल ही, देहरादून जैसे शांत शहर में और सुंदर शहर में बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं की जाएंगी। और आपके माध्यम से आज मैं ये भी अनाउंस करना चाहूँगा कि अब हम ये चोर पुलिस वाला जो हम लोग बोलते हैं टिपिकल, ये करते हुए एक एक गाड़ी ना ढूंढ। और अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।